यही वो मस्जिद है दोस्तों जो पिछले सैकड़ों सालों से डैम के अंदर डूबी हुई थी। 8 या 6 मीनार हैं टोटल और 3 गुंबद हैं। और ये है मिंबर जहाँ पे इमाम साहब खुतबा देते हैं। गया से, नालंदा से, राजगीर से बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं इस चीज़ को देखने के लिए। लोग तो आ ही रहे हैं और आते रहेंगे जब तक, मतलब ये पानी जब तक नहीं भरेंगे, जब तक भीड़ तो रहेगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर व्लॉग चैनल। पहली बार बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ क्योंकि आज हम आए गया से 60 किलोमीटर दूर नवादा ज़िला के रजौली डैम में, जिसको फुलवरिया डैम भी बोला जाता है। और पिछले कुछ दिनों से इस डैम के एक हिस्से में बहुत भीड़ लग रही है। डैम के एक छोर पे पानी सूखा हुआ है और वहाँ पे एक मस्जिद, पुरानी मस्जिद पाई गई है जो पिछले 400-500 सालों से डूबी हुई थी। तो इसको देखने के लिए, इसी चीज़ को देखने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, चाहे मर्द हो या औरत हो, बहुत भीड़ लगी हुई है। तो चलिए चलते हैं 4 किलोमीटर दूर और उस मस्जिद का दीदार कराते हैं। पुरानी मस्जिद जो कि सैकड़ों साल पुरानी है। लोग गाड़ी से आ रहे हैं गया, नवादा और आसपास के इलाकों से आ रहे हैं इस मस्जिद को देखने। तो चलिए हम देखते हैं मस्जिद को। तो हम लोग जा रहे हैं फाइनली। आज पहली बार बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हिस्टोरिकल चीज़ घूमने में, देखने में बहुत अच्छा लगता है। गया टू रजौली डायरेक्ट रोड आती है। रजौली से भी 8 किलोमीटर अंदर जंगल पहाड़ होते हुए इस डैम में पहुँचे हैं। तो देखिए रास्ते में कुछ भैया लोग भी जा रहे हैं उसी मस्जिद को देखने। तो भैया आप बता सकते हैं ये कितने दिन का मामला है? जब हम लोग यहाँ पे ये नेट पे जब देखे हैं इसको, फेसबुक वगैरह पे, तो हमने ये सोचा कि ज़रा चल के देखना चाहिए। और हम लोग आए हैं यहाँ पर देखने के लिए और बिल्कुल रियल है ये। पता नहीं क्या ये 100 साल ये पुरानी मस्जिद है। हम लोग जब इसके बारे में सुने, इस मस्जिद के बारे में, तो सुन करके काफ़ी नया सा लगा, काफ़ी अजीब लगा। लेकिन यहाँ आने के बाद बिल्कुल जो चीज़ सुने वो हकीकत दिखाई दे रहा है। मेरा नाम अताउल मुस्तफ़ा है। मैं सुने थे माशाल्लाह 650 साल पुरानी सुने की मस्जिद बनी हुई है और खुदा की कुदरत अभी तक सही सलामत है। उसी की जियारत के लिए हम लोग सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। यही वो मस्जिद है दोस्तों जो पिछले सैकड़ों सालों से डैम के अंदर डूबी हुई थी, जिसके बारे में किसी को आज तक खबर नहीं थी। जैसे ही डैम के पानी का लेवल कुछ नीचे हुआ, वैसे ही एक सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद देखने को मिली जो कि इस पूरे एरिया में इसका चर्चा है दोस्तों। बहुत दूर दूर से लोग इसको देखने आ रहे हैं और आप भी देख सकते हैं भीड़ लगी हुई है। औरत हो या मर्द हो, सारे लोग देखने आ रहे हैं। अभी भी देखिए पानी है इसमें, फिर भी बेस बिल्कुल दिख रहा है दोस्तों। 3 गुंबद है मस्जिद में, आप दूर से देखिए। जिस तरह से इंडियन मस्जिद, पुरानी मस्जिद होती है, 3 गुंबद होते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे जामा मस्जिद दिल्ली का ठीक उसी तरह से है। तो मेरा एहसान भाई भी साथ में आया है, तो हम लोग दोनों अंदर जा रहे हैं मस्जिद में। बहुत एक्साइटेड हैं अंदर का व्यू देखने के लिए। मेहराब है जो कि गिर चुका है, जो गेट हुआ करता था मस्जिद का, तो ये पानी की वजह से गिरा हुआ है। और जैसे गेट के बाद मस्जिद की सेहन होती है, वो ये सेहन थी दोस्तों जिसमें पानी भरा हुआ है वहाँ से वहाँ तक, जो चौकोर साइज की सेहन होती है, स्क्वायर साइज की। और अंदर मस्जिद है, तो मस्जिद ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी मस्जिद है और 3 गुंबद है। पुराने लोग ऐसा बोलते हैं कि ये मीनार, पानी जब भरा रहता था इस डैम में तो मीनार दिखता था, मगर पूरी मस्जिद नहीं दिखती थी कभी। तो ये पहली बार हुआ है सैकड़ों सालों में कि ये मस्जिद एकदम पूरा बेस से दिख रही है, आप देख सकते हैं। और ये मेहराब है जो इंट्रेंस पॉइंट है मस्जिद की, ये गेट थी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अभी तक ये मस्जिद उसी तरह से खड़ी हुई है। ऊपर का कलर भी पता चल रहा है दोस्तों, बिल्कुल पास से आपको दिखा रहे हैं कि हम लोग अब बिल्कुल इन करने वाले हैं मस्जिद में। और मस्जिद के सामने जो सेहन होती है मस्जिद की, हम लोग वहाँ पर हैं। और सेहन के सामने मस्जिद का गेट है जो कि गिर चुका है किसी वजह से, पानी के वजह से। और ये मेन गेट है, मेन के गेट के बाद मस्जिद की सेहन और फिर मेन मस्जिद। जैसे अब आज भी ऐसा होता है कि पहले सेहन होती है मस्जिद की, फिर मस्जिद होती है, ठीक उसी तरह से ये भी मस्जिद है। तो आपको देखिए बिल्कुल करीब से पत्थर दिखा रहे हैं मस्जिद की। और ये गेट है और मीनार है, 4 मीनार आगे है और 4 मीनार पीछे है, यानी 8 या 6 मीनार हैं टोटल और 3 गुंबद हैं। और देखिए कितने सारे लोग बहुत दूर दूर से आकर चले गए।
इस मस्जिद को देखकर। और देखिए दूर से लोग आ भी रहे हैं, तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं बिल्कुल मस्जिद के मेन गेट से। और देखिए कुछ लोग अंदर हैं अभी तक घूम रहे हैं। तो देखिए ये मेन जहाँ पे ऐसा इमाम साहब खड़ा होकर खुतबा देते हैं बिल्कुल वही ये है। और यहाँ पे मिंबर है, देखिए आपको साफ दिख रहा है। और ये सामने का मेहराब, देखिए गुंबद भी अभी भी सही सलामत है बिल्कुल उसी तरह। और देखिए तीन गुंबद हैं राइट साइड का, और ये बीच वाला, और वो लेफ्ट साइड का, जैसे पुराना कंस्ट्रक्शन होता था मस्जिद का मुग़ल कालीन, ठीक उसी तरह से ये भी कंस्ट्रक्शन है। तो मे भी हो सकता है कि ये भी मस्जिद मुग़ल कालीन हो। मोहम्मद माजिद, कहाँ से आए आप? अदिया रुपाई से, 70 किलोमीटर दूर है यहाँ से, नवादा ज़िला से। जी जी जी। आपको कैसे पता चला इस मस्जिद के बारे में? इस मस्जिद में पहले सुने थे कि पानी में भरा हुआ मस्जिद है, तो कभी देखे थे नहीं, तो अभी जो खाली हुआ तो लोगों ने बताया, तो फिर हमने चल के आया देखने के लिए। मस्जिद की गुंबद जो बिल्कुल अभी सही सलामत है, कलर भी पूरी तरह नहीं गया है इसका, वाइट चूना का कलर है। और ये मोटी दीवार, और ये मेन गुंबद है जो कि मेहराब जो होता है जहाँ पे इमाम साहब खड़े होते हैं बिल्कुल उसी के सामने ये मेन गुंबद है, ये भी बिल्कुल सही सलामत है। और ये है मिंबर जहाँ पे इमाम साहब खुतबा देते हैं, और ये लास्ट वाला मिंबर है, ये भी बिल्कुल सही सलामत है। देखिए पूरा नज़ारा मस्जिद का। और ये मोटी दीवार। तो दोस्तों इतिहास के पन्नों में दफन ये मस्जिद आखिरकार अपनी असली रूप दिखा गई, और हमारे सामने है ये, और बहुत सारे लोग देखने आ रहे हैं। इसका मतलब कि ये मस्जिद है दोस्तों यहाँ पे सुनसान जगह टाइम में, तो इसका मतलब यहाँ पे पहले आबादी रहा करती थी, बस्तियाँ हुआ करती थी। वो दुनिया हमेशा अपने आप को बदलती रहती है, हो सकता है कि अभी जहाँ वीरान है वहाँ कभी चहल पहल या बस्तियाँ हुआ करती थी, ऐसा भी हो सकता है कि अभी जहाँ बस्तियाँ हैं इन फ्यूचर वहाँ वीरानी हो। तो दुनिया बहुत पुरानी है दोस्तों, और ये दुनिया बहुत बार उजड़ी है और बनी है, और इसी का ये नमूना आपके सामने है ये मस्जिद, कि कभी यहाँ पे बस्तियाँ हुआ करती थी, लोग रहा करते थे, अजान हुआ करती थी, नमाज पढ़ी जाती थी। मस्जिद का ये मेन एंट्री पॉइंट रहा होगा, आपको स्ट्रक्चर से पता चल रहा होगा कि वो दरवाज़ा है, गेट है जो कर्व दिख रहा है आपको, ये खड़ा होगा पहले, और किसी वजह से पानी की वजह से या आंधी तूफान की वजह से ये गिर चुका है, तो ये पहले मेहराब ऐसे खड़ा होगा, और सामने से लोग इस रास्ते से एंट्री करते होंगे, और एंट्री करने के बाद मस्जिद के सेहन में जाते होंगे, उसके बाद मेन मस्जिद में जाते होंगे अंदर। तो आपको देखिए साफ दिख रहा है, तीन गुंबद है और 8 मीनार हैं, 4 आगे और 4 पीछे। मस्जिद होने का मतलब है कि यहाँ पे पहले डैम नहीं रहा होगा, लोग यहाँ पे रह रहे होंगे। और देखिए कुछ सबूत भी है, वहाँ पे कुछ टीले टाइप का दिख रहा है, और हम आपको बिल्कुल पास से दिखा रहे हैं कि यहाँ पे पहले लोग रहा करते थे, एक बस्ती बसा करती थी, उसका एक सबूत है यहाँ पे, देखिए। आपसे एक गुजारिश है कि लाइक और शेयर, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।